हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कटिंग टूल्स के मटेरियल्स के बारे में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कटिंग टूल्स के एंगल्स के बारे में कि जो भी हम कटिंग टूल प्रयोग करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बेसिकली लेथ मशीन पर। मैं पता है कि कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं। कुछ कटिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, जैसे कि जो लेथ मशीन, सेपर मशीन, स्लॉटर मशीन पर प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें केवल एक ही कटिंग एज होती है, जिसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। और कुछ ऐसे टूल होते हैं जिसमें एक से अधिक कटिंग एज होती है, जैसे कि ड्रिल, रीमर, ये सब हो गया, तो इसे हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी लेथ मशीन पे जो प्रयोग किया जाता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड कटिंग टूल। तो लेफ्ट हैंड कटिंग टूल कौन सा होता है? ऐसा कटिंग टूल जो कि हेड स्टॉक वाले सिरे से टेल स्टॉक की तरफ कटिंग करता है, उसे हम लेफ्ट हैंड कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। हाथ से ही देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड मतलब हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ जाएगा, वो लेफ्ट हैंड कटिंग टूल होगा। दूसरा क्या होता है? राइट हैंड कटिंग टूल होता है, राइट मतलब अपना दायां हाथ, तो एक इस तरफ से टेल स्टॉक की तरफ से हेड स्टॉक वाले सिरे की तरफ कटिंग करता हुआ जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइट हैंड कटिंग टूल किसे कहते हैं, तो ऐसा कटिंग टूल जो कि टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ कटिंग करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक, तो चलिए जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं इसमें बेसिकली कौन कौन से एंगल होते हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है साइड कटिंग एज एंगल, जो कटिंग एज एंगल में सबसे पहला है साइड कटिंग एज एंगल। इसका दूसरा नाम है अप्रोच एंगल, इसे अप्रोच एंगल के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कटिंग टूल को साइड के पास ग्राइंड करके साइड कटिंग एज एंगल बनाया जाता है, मतलब कटिंग टूल को अगर हम साइड के पास ग्राइंड करें तो जो वहां पर कटिंग एंगल बनता है उसे हम अप्रोच एंगल या साइड कटिंग एज एंगल के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली 25 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य में रखा जाता है। कितना रेंज पूछा जाए साइड कटिंग एज एंगल की, तो 25 डिग्री से 40 डिग्री, स्टैंडर्ड बात किया जाए तो ये स्टैंडर्ड 30 डिग्री का होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? साइड कटिंग एज एंगल मदद करता है टूल की फीडिंग करते समय, जब हम टर्निंग करते समय टूल को फीड देते हैं, या कह लीजिए सिंपल भाषा में तो डेप्थ ऑफ कट देते हैं, तो उस समय क्या होता है काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से हम हैवी डेप्थ ऑफ कट भी दे सकते हैं टूल की फीडिंग के लिए। या डेप्थ ऑफ कट में कौन सा एंगल मदद करता है? तो होता है साइड कटिंग एज एंगल, इसी को अप्रोच एंगल भी कहते हैं। 25 से 40 डिग्री होता है स्टैंडर्ड, 30 डिग्री रखा जाता है। दूसरा इसमें आता है एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल के दूसरे नाम की बात की जाए तो इसे ट्रायल एंगल, TRAIL, ट्रायल एंगल के नाम से भी जानते हैं। यह भी स्टैंडर्ड 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। ठीक, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री के कोण पर इसे ग्राइंड करके बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल, या फिर कहा जाए अप्रोच एंगल और ट्रायल एंगल को ग्राइंड करने के बाद उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बचता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं बेज एंगल। क्या कहते हैं? बेज एंगल किसके मध्य बनता है? तो अप्रोच एंगल व ट्रायल एंगल के मध्य 90 डिग्री का बेज एंगल बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है साइड कटिंग एंड कटिंग के बाद आता है रैक एंगल, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेथ में, वो होता है रैक एंगल। ये कहाँ बनता है? ये फेस की सतह और आधार के समांतर की सतह, मतलब जो हमारा ये कटिंग टूल है इसके जो फेस की सतह, जो ऊपर वाली फेस है इसकी सतह और जो नीचे ये है बेस है इसके पैरेलल की जो सतह होती है उसके बीच जो कोण बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे रैक एंगल या रैक कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिकली सैंक के अगर इसे हम समांतर मापे, जो इसकी सैंक होती है उसके अगर इसे पैरेलल मापा जाए तो इसे टॉप रैक एंगल कहा जाता है, और यदि इसे सैंक के 90 डिग्री पर राइट एंगल पर या समकोण पर मापा जाए तो इसे साइड रैक एंगल के नाम से जाना जाता है। साइड रैक एंगल का पूछा जाए कि कितने डिग्री में ग्राइंड किया जाता है, तो साइड रेक एंगल 0 से लेकर के 20 डिग्री के मध्य, डिपेंड अपॉन द मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल है उस प्रकार 0 से 20 डिग्री के मध्य साइड रेक एंगल को ग्राइंड किया जाता है। साइड रेक एंगल और टॉप रेक एंगल दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? चिप्स का अच्छा फ्लो प्रदान करते हैं, जिससे चिप्स बिना फेस पर घर्षण खाए आसानी से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो रेक एंगल का काम ही होता है बेसिकली चिप्स के फ्लो को नियंत्रित करना।
राइट एंगल अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है पॉजिटिव राइट एंगल, हिंदी में कहा जाए तो इसे हम धनात्मक राइट एंगल कहते हैं। ये किस प्रकार होता है, तो ये जो नोज होती है उसके पीछे की तरफ ग्राइंड करके बनाया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी नोज होती है, कटेंगे उसके क्या पीछे की तरफ पेपर में ग्राइंड करके बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। बेसिकली कितना होता है, तो ये 3 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य रखा जाता है। पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए, जो भी नरम धातुएं होती है उसकी टर्निंग करने के लिए। उसके साथ साथ जब हमें गुड फिनिशिंग, अच्छे फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, तो वहां भी पॉजिटिव रेक एंगल टूलों पर दिया जाता है। पॉजिटिव रेक एंगल देने से जो इसका मतलब पॉइंट होता है काफी ज्यादा शार्प होता है। अगर मतलब इस पे हम थोड़ा सा भी ज्यादा लोड देंगे तो क्या होगा, पॉइंट टूट जाएगा। ठीक, तो ये होता है पॉजिटिव रेक एंगल के बारे में। किस पर दिया जाता है, बेसिकली नोज के पीछे की तरफ पेपर में ग्राइंड करके बनाया जाता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए और गुड फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट आता है निगेटिव रेक एंगल। निगेटिव रेक एंगल क्या करते हैं, हम नोज को आगे की तरफ, जैसे ये नोज है तो नोज की तरफ इसमें हम टेपर ग्राइंड करके इस प्रकार के कोण को बनाया जाता है। अगर पीछे की तरफ स्लोप है तो पॉजिटिव रेक एंगल, आगे की तरफ स्लोप है तो इसे निगेटिव रेक एंगल के नाम से जानते हैं। तो निगेटिव रेक एंगल होता है बेसिकली हार्ड मटेरियल और टेनासियस मटेरियल के लिए, या कह सकते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए रखा जाता है। जो भी कठोर धातुएं होती हैं, भंगुर धातुएं होती हैं, उसको हम टर्निंग करते समय बेसिकली निगेटिव रेक एंगल की प्रेफरेंस करते हैं। जो भी जितने कार्बाइड के टूल होते हैं या फिर हाई स्पीड स्टील टूलों पर भी कभी कभी निगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। बट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कार्बाइड टिप टूलों पे कौन सा एंगल होता है, कौन सा रेक एंगल होता है, तो होता है निगेटिव रेक एंगल। चित्र कुछ इस प्रकार एग्जाम में दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है जीरो रेक एंगल। कटिंग टूल में जीरो रेक एंगल कब दिया जाता है, जीरो रेक एंगल ना ये मतलब आगे की तरफ झुका है ना पीछे की तरफ झुका है, क्या है, सीधाई में इसकी कटिंग एज होती है। ब्रास की टर्निंग करते समय हम क्या करते हैं, कटिंग टूलों पर जीरो रेक एंगल देते हैं, कि ब्रास की टर्निंग करते समय क्या होता है, चिप्स काफी छोटे छोटे निकलते हैं और उस पर इतना ज्यादा दबाव चिप्स पर नहीं होता है, तो इसलिए वो चिप्स आसानी से टूट जाते हैं, तो हमें रेक एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रास की टर्निंग करते समय टूल पर जीरो रेक एंगल दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। इन तीनों से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस एंगल। ठीक, क्लियरेंस एंगल का मतलब क्या होता है, जब भी हमारा कटिंग टूल टर्निंग करता हुआ आगे बढ़ता है तो कटिंग टूल और जाब के मध्य क्या होता है, मतलब घर्षण होता है, तो उस घर्षण को बचाने के लिए वहां क्लियरेंस की व्यवस्था करने के लिए क्लियरेंस एंगल बनाया जाता है। क्लियरेंस एंगल से क्या होता है, केवल कटिंग एज ही सतह से स्पर्श करता है, जो बाकी जो बॉडी होती है वो फ्रीली आसानी से मतलब मूव करती रहती है, वो जॉब के साथ घर्षण नहीं करती है। तो क्लियरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ट्यूज के साथ अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्या होता है, ये कटिंग एज से नीचे की तरफ टेपर में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, कि ये हार्ड मटेरियल के लिए कम होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अगर डिग्री में बात की जाए तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल की वैल्यू 6 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रखी जाती है। ध्यान रखना कितना, 6 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य वैल्यू होती है फ्रंट क्लियरेंस एंगल की। हार्ड मटेरियल होगा कोई मतलब कठोर धातु होगी तो उसके लिए इसकी वैल्यू कम होगी, और नरम धातु के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट है साइड क्लियरेंस एंगल। कटिंग एज से साइड को टेपर ग्राइंड करके, मतलब जो कटिंग एज है उसके साइड में अगर उसको टेपर ग्राइंड करके बनाया जाता है तो उसे हम साइड क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली ये टूल को रबिंग एक्शन करने से बचाता है, बट यदि क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा तो टूल की शक्ति कम हो जाएगी, टूल कमजोर हो जाएगा और वो टूट भी सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार हमें परफेक्टली उसे ग्राइंड करना चाहिए। और फीड रेट यदि अधिक हो, ज्यादा फीड रेट दे रहे हैं तो उस समय ज्यादा क्लियरेंस एंगल हम दे सकते हैं, साइड क्लियरेंस एंगल का मान उस समय ज्यादा रखा जा सकता है। किस स्थिति में, ज्यादा फीड रेट होने की स्थिति में।
अगर कम फीड रेट पे ज्यादा क्लियरेंस एंगल दिया जाएगा तो टूल टूट जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू की बात की जाए तो ये लगभग 18 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य ग्राइंड करके बनाया जाता है। लास्ट वन इसमें क्या आता है, साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल बेसिकली ये पार्टिंग ऑफ टूल और अंडर कट टूलों में दिया जाता है। जो पार्टिंग ऑफ मतलब मेटल को दो पार्ट में करने के लिए या फिर अंडर कट देने के लिए, शोल्डर काटने के लिए जो टूल प्रयोग किए जाते हैं उन टूलों पर साइड में रिलीफ एंगल बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे कटिंग एज, जो कटिंग टूल होता है उसके आगे का जो कटिंग एज होता है थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है और पीछे की ओर क्या होता है वो कम चौड़ा होता है, जिससे कि आसानी से पीछे की बॉडी उसकी कटिंग टूल में मतलब कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, मतलब आगे ज्यादा चौड़ा है पीछे कम चौड़ा है। तो कटिंग करते हुए जब पार्टिंग करते हुए आगे बढ़ता है जो पीछे की बॉडी होती है वो वर्क पीस में घर्षण नहीं करती है। बट यदि ये क्लियरेंस ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, जो चिप्स वगैरह निकलेगी उसके बीच फंस सकती है, क्लॉगिंग हो सकती है। तो इसलिए परफेक्टली इसको ग्राइंड करना चाहिए। जिसकी वैल्यू पूछी जाए कि पार्टिंग ऑफ टूल पर साइड रिलीफ एंगल कितना दिया जाता है तो मैक्सिमम 2 डिग्री तक का दिया जाता है। कितना, अधिकतम 2 डिग्री इसकी वैल्यू हो सकती है, 2 डिग्री से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में फ्रंट रिलीफ एंगल के बारे में पूछ लिया जाता है, यदि फ्रंट रिलीफ के बारे में पूछा जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के मध्य फ्रंट रिलीफ एंगल की वैल्यू रखी जाती है। इसे भी ध्यान में रखना है, किसकी है ये, फ्रंट रिलीफ एंगल। फ्रंट रिलीफ एंगल की वैल्यू अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो ये 6 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रखी जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रैक एंगल इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी पॉजिटिव रैक एंगल क्या करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल और गुड फिनिशिंग के लिए कुछ नोच के पीछे की तरफ टेपर करके बनाते हैं, और जो निगेटिव रैक एंगल होता है कार्बाइड टिप टूलों पे दिया जाता है, हार्ड और टेनासियस ब्रिटल मटेरियल की टर्निंग करते समय नोच की तरफ ही टेपर करके बनाते हैं, और ब्रास की टर्निंग करते समय 0 रेक एंगल दिया जाता है, चूंकि चिप्स वगैरह का उतना ज्यादा दबाव नहीं होता है। तो ये वीडियो थी कटिंग टूल्स के एंगल्स के बारे में। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।